ये हमारे श्यामपुरा का सबसे बड़ा फ्लैग है भाई, आप देख सकते हो ये फ्लैग बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और अभी हम देखो, और ये ना स्टैंड है यहाँ। तो दोस्तों हम लोग जा रहे थे ना भाई अमोल को, लेकिन बारिश होने की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। उस साइड गए, आधे रास्ते गए और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वापस आ गए हम लोग। और हम लोग जाएंगे ना घुघुआ नेशनल पार्क, तो घुघुआ नेशनल पार्क आपको दिखाएंगे, वो फॉलिस नेशनल पार्क है, तो वहाँ की आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, जो भी जानकारी है, और आपको देखने भी मज़ा आएगा। ठीक है भाई, हम लोग आ गए और वापस आने के बाद ना देखो वो कहाँ है नन्नू ने भाई इतना सारा नाश्ता वास्ता रखा है खाने वाने के लिए प्रोग्राम, तो वहाँ जाएंगे ना खाएंगे पियेंगे थोड़ी मौज मस्ती करेंगे। तो दोस्तों अब ड्राइविंग जो कर रहा है ना वो नन्नू कर रहा है, ये देखो भाई, तो नन्नू चलाएगा गाड़ी और हम बैठे बीच में, और अनिल भाई यहाँ इस तरह से, तो इस तरह से हमारा माहौल है कुछ, आप देख लो भाई ना, देखो मतलब जहाँ जा रहे हैं नेशनल पार्क उसका वो वहाँ पर लगा हुआ है इस तरह से, और यहाँ से लेंगे निमास रोड के लिए टर्न। तो भाई यहाँ से हो गए, ये देखो हमारे रास्ते की वॉच। लिखा है नेशनल फॉलिक्स पार्क घुघुआ, जी हाँ, ये श्यामपुरा से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, डिंडौरी जिला मध्य। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं घुघुआ नेशनल पार्क, जो फॉलिक्स पार्क है जीवाश्म उद्यान, और यहाँ हम पहुंच गए हैं। और एक साइड भाई मांसाहारी डायनासोर, और दूसरी जो साइड है वो शाकाहारी डायनासोर है। और इस तरह से हम लोग अपने फ्रेंड के साथ ब्रज है और अनिल है, हम लोग इस तरह से पहुँच गए। अब हम अंदर जाएँगे और पार्क के अंदर, और पार्क के अंदर आपको ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, वीडियो को पूरा देखने, क्योंकि मैं आपको ना डायनासोर का अंडा दिखाने वाला हूँ, ठीक है, और अब हम ना अंदर जाएंगे इसके अंदर, अभी अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं आपको क्या कैसा नज़ारा है। पार्किंग में चले अंदर, तो कुछ इस तरह से है, और पार्किंग की व्यवस्था ये बनी हुई है, ये देखो आप यहाँ पार्किंग की सुविधा, तो पार्किंग में चलते हैं पहले। तो दोस्तों हम पार्किंग में आ गए हैं, और अभी हमें ना हमें करनी है बाइक को पार्क, बाइक पार्क करने के बाद यहाँ के हम जो भी प्रोसेस है टिकट विकेट लेंगे, इसके बाद आगे जो भी मतलब दिखाएंगे आपको कि क्या क्या सब कुछ है। तो घुघुआ नेशनल पार्क जो फॉलिक्स पार्क है जीवाश्म उद्यान, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको इस ब्लॉग में, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम सबसे पहले ना टिकट काउंटर जाएंगे, और देखो भाई इस तरह से ना झूला वूला है, यहाँ पे झूला लगे हुए हैं और एक्सरसाइज मशीन झूले ही हैं बच्चों के, मतलब पार्क में तो जो सुविधा होनी चाहिए वहाँ गवर्नमेंट ने बहुत मस्त रखा है। रहीचुआ है भाई यहाँ पे, ये देखो ये इसे रहीचुआ कहते थे गांव में, अभी नहीं पता क्या और क्या कहते हैं। और यहाँ से हमें मिलेगा टिकट, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ना अभी टिकट ले रहे हैं, रज भाई वहाँ पे टिकट कटवा रहे हैं, टिकट कटने के बाद ना यहाँ पे हम ब्लॉगिंग करेंगे और दिखाएंगे आपको कि कहाँ क्या क्या है, क्या क्या चीज़ है, सभी जानकारी आपको इस ब्लॉग में मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो टिकट थी वो टिकट हो गई है, अब हमें जाना पड़ेगा अंदर जहाँ पे सभी जो यहाँ पे क्या क्या है वो तो आपको देख, मैं भी अभी नहीं बताने वाला, पहुँच कर ही पता चलेगा, तो क्या क्या दिखाने वाला हूँ ना वो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो चलो चलते हैं हम लोग अंदर, अपने कदमों को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे यहाँ के अधिकारियों को ना रहने के लिए बनाया गया है, ये जो है बिल्डिंग्स हैं ये उनका घर है, निवास स्थान है अधिकारियों का, जो यहाँ के कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उनके रहने का है। और ये जहाँ तक है तो ये यहाँ का म्यूज़ियम है, तो इसके अंदर भी हम जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम म्यूज़ियम के अंदर नहीं जा रहे, म्यूज़ियम के बाहर जो रखी हैं ना वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, है कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है,
वो सब जानकारी आप ये बोर्ड में लिखी हुई है, तो आपको दिखाते हैं। देखो भाई ये देखो, मतलब जितने भी ये है ना यहाँ पे ये जानकारी लिखी हुई है कि आपको कहाँ क्या क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है सब। ये देख लो भाई, तो इस तरह से ये लिखा हुआ है ये सब चीज़ें यहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है ये, यहाँ पे गुगुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान डिंडौरी वन विभाग वन मंडल ये सब लिखा है। 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये खुला रहता है। और इस तरह से अंदर यहाँ पे हम जो लोग जाएंगे इसको पार करके, ये अभी हम पार्क के अंदर प्रवेश कर गए, मेरे दोनों जो साथी गण हैं आगे आगे चल रहे हैं। इस तरह से हम लोग जा रहे हैं, अब अंदर जाने पे क्या क्या देखने को मिलता है ना ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा छुछुआ लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि जहाँ नन्नू हो वहाँ मस्ती ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। देखो भाई किस तरह से हम लोग खाई में, मतलब जंगल के अंदर, पार्क में बहुत ज़्यादा जंगल है और पार्क है तो जंगल रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग अंदर जा रहे हैं, अभी नीचे आ रहे हैं तो खाई सा है यार, यहाँ से उतर रहे हैं ऐसे। तो भाई धीरे धीरे हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने की कृपा कर रहे हैं। कृपा नहीं है, आपको दिखाना है ना तो भाई अंदर तो जाना पड़ेगा। अब अंदर एक गेट है, वो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ, वो अंदर गेट को पार करके हम लोग जाएंगे। आने के बाद ना कुछ इस तरह से यहाँ पे ये है पार्क की, मुझे लगता है पार्क यहाँ से शुरू होता है एक्चुअली। वो वहाँ जो जगह थी वो म्यूज़ियम था और पार्क अंदर शुरू होता है। अभी म्यूज़ियम हम गए नहीं है, म्यूज़ियम जब जाएंगे ना तो म्यूज़ियम का भी दिखाएंगे आपको। तो ये लिखा है बिना अनुमति प्रवेश लेना निषेध है, तो यहाँ पर अनुमति लेकर ही प्रवेश करें। तो इस तरह से हम लोग यहाँ आ गए देखो, और यहाँ का नज़ारा ना कुछ इस तरह से है, घना जंगल है और यहाँ पे वन विभाग की ओर से सीढ़ियाँ बनाई गया है, ये है भाई। तो गाइस यहाँ से देखने लायक बहुत सी चीज़ें हैं आप देख लो यहाँ, लेकिन अभी हम जा नहीं रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो पहले हम लोग पेट पूजा कर लेते हैं यहाँ पे बैठ के, इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएंगे प्रोसेस से। और हाँ यार, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो, न्यू जानकारी कुछ नया चीज़ देखने को सुनने को मिल रहा हो आपको ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें न्यू है तो, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, वहाँ पर बैठने के लिए जा रहे हैं और आपको देख लो ये सब चीज़ें, इनको प्यार से आपको अच्छे से दिखाएंगे कि हैं क्या चीज़, क्यों इन्हें इन पत्थरों को रखा गया है, इन पत्थरों से में छुपे हुए राज खोलेंगे हम, आपको बताएंगे। और आप बिल्कुल टेंशन न लें, हमारे साथ तीन हम फ्रेंड्स हैं, तीनों अलग अलग अपने अपने फील्ड्स में नॉलेज रखते हैं, तो इनके आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे हम फिर यहाँ बैठते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे पेट पूजा, पेट पूजा करने के बाद भाई आपसे मुलाकात करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे यहाँ की तमाम जानकारियाँ और यहाँ के जो स्थान है, जो जगह है, जो जो चीज़ें हैं म्यूजियम में इस पार्क में रखी हुई हैं, तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे हम। ठीक है दोस्तों, हमारे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। ये जो आप देख रहे हो ये अवशेष जो हैं, ये नारियल के पेड़ के अवशेष हैं। जी हाँ, नारियल और यूकेलिप्टस के पेड़ के अवशेष हैं जो कि पत्थर बन चुके हैं। तो दोस्तों हम ये म्यूज़ियम है और म्यूज़ियम के हम अंदर जाएंगे और आपसे दिल से तहे दिल से हम सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारा मोबाइल की बैटरी हो गई है ख़त्म, इस वजह से हम ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मोबाइल की बैटरी होने की वजह से ना, ख़त्म होने की वजह से हम ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दो दो तीन तीन मोबाइल थी, सभी की बैटरी ख़त्म हो गई, एक लास्ट 1% बैटरी है, पता नहीं कितना चलेगी, मुझे भी नहीं पता, पर अंदर जा के देखते हैं। ठीक है, अंदर माहौल क्या है। म्यूज़ियम के अंदर आने के बाद आप देखो इस तरह का नज़ारा ये है, और ये देखो भाई, ये पेड़ है जो कि पत्थर बन चुका है और इसलिए इसे फॉलिक्स पार्क कहा जाता है, मतलब जीवाश्म उद्यान। जो पहले जीव थे वो पत्थर बन चुके हैं, इसका पहला तो एक नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अंदर जाने के बाद ना यहाँ पे म्यूज़ियम में आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, ये देखो ये सब पत्थर, जो पेड़ थे लकड़ियाँ थी सब पत्थर बन चुकी हैं। और इस तरह यहाँ पर आप देखो ये भी अलग अलग चीज़ें यार, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकी जानकारियाँ, ये शफीदा, ये देखो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कि पत्थर बन चुकी हैं उसके बारे में जानकारियाँ मिल रही हैं आपको। ये फटाफट दिखा दे रहा हूँ क्योंकि बैटरी ना मेरी ख़त्म हो चुकी मोबाइल की, तो आपको फटाफट दिखा देते हैं। ये देखो आप, तो ये आप देख लीजिए, माफ़ी चाहेंगे दोबारा आएंगे तो अब अच्छे से वीडियो बनाएंगे सेपरेट कुछ। ये देखो आप इस तरह से नज़ारा, ये किस म्यूज़ियम के अंदर का, और ये यहाँ पे इसकी जानकारियाँ लिखी हुई हैं। वैसे मुझे यहाँ की बहुत जानकारियाँ हैं लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
तो गाइस एक्चुअली हमारा देखो मोबाइल बंद हो गया था, भैया के मोबाइल लिए हैं और इनके मोबाइल से हम लोग वीडियोस बनाएंगे और इनको हम इंस्टाग्राम के थ्रू ले लेंगे। तो इससे हम नज़ारा दिखा देते हैं वहाँ का, तो हमने आपको जो दिखाया बस इस कमरे का और बचा इस कमरे का दिखा देते हैं क्योंकि भैया का भी चार्ज ख़त्म नहीं होना चाहिए ना, तो उसके बारे में आपको जानकारी हम देते हैं। गाइस अंदर आने के बाद ना यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो इस तरह से होता है बाग। देखो ये यहाँ पे भी सब स्टोन्स रखे हुए हैं और यहाँ पे जानकारी है अतीत और वर्तमान के बीच की जो खाई है उसके बारे में उसने बताया है इसमें। और यहाँ पे बहुत शानदार पेंटिंग लगी हुई है, घुघुआ के अंदर जो पद्म जीवाश्म पाए जाते हैं ना उसके बारे में देखो ये चित्र भी लगा है और इस ऊपर जानकारी भी दी गई हुई है, पौधों का जीवाश्म है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जीवों का इस तरह से रिसर्च हुई है, प्रॉपर रिसर्च हुआ है यहाँ पे। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पौधों की ना अवशेष, ये जितने भी आपको ड्राइंग दिख रही हैं ये सब यहाँ के ही जो पाए जा रहे हैं उनके वो हैं अवशेष हैं, उनकी फ़ोटो लगाई गई है। अवशेषों को हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारा मोबाइल अभी चार्ज ख़त्म हो चुका है। और देखो इस तरह से ज्वालामुखी फटने से किस तरह से धरती का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, वो सब बताया जाता है। और यहाँ पे ये देखो यार इसके बारे में अच्छे से लिखा भी है ये आप, ये इंडिया है, इंडिया के बारे में देखो इस तरह से, ये जो एरिया देख रहे हो ना ये समुद्र से इस तरह से रहा, ये जो घुघुआ है यहाँ पे समुद्र था पहले, ठीक है, इस साइड इसके बारे में बताया जा रहा है। और अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो समझाया गया है कि पूरी जो महाद्वीपें थी पहले इस तरह से इकट्ठी हुई, फिर धीरे धीरे से वो दूर होती गई इस तरह से। देखो अब भारत ये है, समझ में नहीं आ रहा, और इसमें आप देखो कि भारत और आगे बढ़ता जा रहा है, ये यहाँ पहुँच गया भारत, फिर इसमें आप देखो कि भारत यहाँ पहुँच गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, अफ्रीका ये और यहाँ पहुँच गया, फिर धीरे धीरे भारत अपनी अभी वर्तमान पोजिशन में आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर इसको दिखाया जाता है और ये इसको समझाया गया यहाँ से इस तरह से। तो ये सब यहाँ का, तो भाई भैया की मोबाइल से हमने इतना ही ब्लॉग करेंगे क्योंकि ब्लॉगिंग करने के लिए यहाँ तो इतना बहुत सारा मटेरियल, अगर मैं दोबारा आऊँगा और आपको बिल्कुल सेपरेट वीडियो दे दूँगा, छोटी से छोटी जानकारी देंगे आपको। फिलहाल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, तो हम यहीं पे अभी इसको ब्लॉक करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।